हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम अहीर रेजिमेंट से जुड़े एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है, नंदगांव से कन्याकुमारी रामेश्वरम, वापसी दिल्ली से रेवाड़ी भिवानी हरियाणा। तो ये अहीर रेजिमेंट का यहाँ पर झंडा भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। तो यहाँ नरेंद्र जी हमारे साथ खड़े हैं, ये इस साइकिल के ऊपर कन्याकुमारी तक गए हैं और अभी भी इनकी यात्रा जारी है। फिलहाल ये नारनौल से महेंद्रगढ़ के बीच में है और यहाँ पर हम इनसे बातचीत करेंगे। अहीर रेजिमेंट को लेकर इन्होंने ये यात्रा की है, इनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू। कब शुरुआत की थी ये सर? मैं नरेंद्र यादव, नंदगांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से हूँ। ये यात्रा मैंने 20 तारीख को बाबा पुंडरी धाम नंदगांव मंदिर से शुरुआत की थी और ये यात्रा मैं 8 स्टेटों को क्लियर करते हुए और कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक ये यात्रा 3300 किलोमीटर की पूर्ण कर चुका हूँ। अब वापसी मैं दिल्ली से यहाँ वाया रेवाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ होते हुए भिवानी को पहुँच करूँगा और ये मेरी यात्रा तब तक जारी रहेगी तब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाती। अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाती तब तक। अच्छा, अहीर रेजिमेंट के लिए आपने ये कब शुरू किया था? क्या बताया आपने, कब से शुरू की थी ये? 20 मार्च को शुरू किया था और 20 अप्रैल को मैंने रामेश्वरम तक 3300 किलोमीटर की यात्रा अकेले नहीं, एक महीने में ही कर दिया। हाँ, एक महीने में अकेले नहीं। तो आप चले कहाँ से थे? नंदगांव बाबा पुंडगिरी धाम। अच्छा जी, नंदगांव मंदिर से चला। आपका गांव है नंदगांव? हाँ जी। और वहीं पर जो आपके जो इष्ट देव मतलब जो हैं बाबा जी? हाँ, हमारे महंत जी बाबा पुंडगिरी महाराज, उन्हीं की कृपा से और गांव के आशीर्वाद और सहयोग से मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। कौन से रूट से गए, किधर से गए आप? मैं इधर से खेड़की दौला टोल होते हुए 23 तारीख को वहाँ धरने शहीदी दिवस के ऊपर गुड़गांव में था और वहाँ से फिर होते हुए मैं यूपी से फिर एमपी से फिर महाराष्ट्र तेलंगाना से आंध्रा से कर्नाटका से तेलुगु ये तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी रामेश्वरम तक पहुंचा सर। अच्छा, पूरी यात्रा जो आपने करी उस पूरी यात्रा में ये एक साइकिल आपके साथ थी, इसके अलावा कुछ? ये साइकिल के अलावा मेरे साथ मेरे गांव का और यादव बरादरी और छत्तीस बरादरी का सहयोग रहा और प्रभु ये आशीर्वाद से मिली यात्रा। विशेष बात यहाँ पर ये, जैसे बीच में थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी अलग अलग मौसम भी आए होंगे तो फिर कैसे मैनेज? सर आपको पता ही है अभी गर्मी का टाइम है तो मैं ज़्यादातर रात को 2 बजे चलता था, कभी 3 बजे। हाँ, कभी 3 बजे चलते थे। हाँ, रात को 2 या 3 बजे सफ़र शुरू कर देता था। डे टाइम में थोड़ा रिलैक्स करते थे? हाँ, दिन में थोड़ा 2-3 घंटे दोपहर को रेस्ट करता था। अच्छा, तो 3300 किलोमीटर की यात्रा में आपने मतलब साइकिल से ही सारा सफ़र तय कर दिया। बीच में फिर रुकते थे कहीं धर्मशाला वगैरह में? सर उत्तर भारत में तो जैसे ढाबे उनमें खाना खाता था शाम को, वहीं सो जाता था और दक्षिण भारत के अंदर पेट्रोल पंप या बस स्टैंड पर ही। पेट्रोल पंप या बस स्टैंड? हाँ। खाने की भी दिक्कत रही होगी क्योंकि अलग अलग प्रकार का खाना, जैसे 5-6 जैसे नाइट को जैसे सेटिंग नहीं होती थी तो मैं भूखा ही सो जाता था, अगले दिन खा लेता था। बाकी क्योंकि साउथ में आपको पता है वेज नहीं मिलता। हाँ, वेज नहीं मिलता, नॉन वेज मिलता है। आप नॉन वेज नहीं? नॉन वेज मैं खाता नहीं क्योंकि मेरे पास सरयू नदी का जल और गंगा नदी का जल था इसलिए मैं। अच्छा, नॉन वेज? आप गंगा जल भी लेकर चले थे? हाँ, सरयू नदी का जल लेकर चला था। फिर वो है अभी आपके पास? अभी नहीं है वो। अच्छा, वो चला। अच्छा, जल चढ़ा दिया, किधर चढ़ाए फिर आप? वो रामेश्वरम चढ़ा सर क्योंकि वहाँ 14 शिवलिंग है, भगवान शिव का मंदिर है। तो मतलब अंतिम जो जगह थी वो कन्याकुमारी में रामेश्वरम पड़ता है, वहाँ तक जाकर आए? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है जी। हाँ। और रामेश्वरम कन्याकुमारी से 300 किलोमीटर आगे है। हाँ, तो रामेश्वरम 300 किलोमीटर आगे गए थे आप? हाँ, 300 किलोमीटर क्योंकि सभी कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं। मैंने सोचा मैं कुछ अलग करूँ और मैं भगवान के प्रति आस्था रखता हूँ भगवान से, इसीलिए मैंने इस यात्रा को तब्दील करके रामेश्वरम तक। आपके तो गांव का नाम ही नंदगांव है। बाकी जय यादव जय माधव के नारे अहीर रेजिमेंट को लेकर लगते हैं आजकल। अहीर रेजिमेंट क्या है हमारे दर्शकों को बताएं? अहीर रेजिमेंट सर अभी बनी नहीं हुई है, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और ऐसे काफ़ी रेजिमेंट हैं, तो यादव रेजिमेंट भी होनी चाहिए सर, हमारे भी कंधे पर वीर अहीर लिखा हुआ होना चाहिए।
समझ गए, वीर अहिर लिखा होना चाहिए कंधे के ऊपर। ख़ास तौर पर बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के जो साथी हैं जो अहिर रेजिमेंट को समर्थन देने के लिए कि वो बने, वो इस तरह की यात्राएं एक यूनिक सा प्रयास कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप भी अहिर रेजिमेंट को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय यादव जय माधव लिखकर कमेंट कर सकते हैं, और क्या सोचते हैं नरेंद्र जी के बारे में ये भी कमेंट में अवश्य बताएँ। सर, घर परिवार ने जब आप इतनी लंबी यात्रा करने के लिए, और वो भी एक सार्वजनिक मुद्दे, मतलब कह सकते हैं अहिर रेजिमेंट का एक कम्युनिटी का जो मुद्दा है उसको लेकर आप चले, अब तो कम्युनिटी एक नहीं सभी कम्युनिटी इसके साथ। मैं पेशे से मिस्त्री हूँ सर जी, मकान बनाने का, तो मैं 7 महीने पहले सर 8 महीने पहले मैं 2 मंजिल से गिर गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ से वो दोनों एक पैर में दोनों दो तरफ राड डली हुई है, हाथ में राड डली हुई है, तो मैंने ये सोचा मैं मेरे को नया जीवन मिला है, मैं अगली यात्रा अपने समाज और बरादरी के अपनी बरादरी के लिए भी कुछ कर सकूँ, और यही मेरे तो फिर आपने शुरू किया। हाँ, मैंने अच्छा, घर वालों ने, घर परिवार में जो सदस्य हैं उन्होंने मना नहीं किया कि आप 3300 किलोमीटर यात्रा करने की चलने की भी हालत नहीं थी क्योंकि मैं चारपाई से ही उठा था। और सभी ने मेरी और तनेश में मेरा पूरा सहयोग किया, माँ बाप मेरे हैं नहीं और बाकी सभी गाँव वालों रिश्तेदारों ने, मेरी बेटी ने भी, सब ने मना किया, फिर भी मैं थोड़ा हा अनाड़ी किस्म का आदमी हूँ तो मैं सर चल दिया। कुछ हमारे गाँव के लोगों ने मेरा, क्योंकि मेरे पास पैसे का भी अभाव था, उन्होंने मेरे को मदद की, इसीलिए मैं ये यात्रा सफल कर। ये प्रेरणा कैसे मिली कि ये काम आप करें? ये सर मैं पहले अयोध्या यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा, 2021 में 24 फरवरी को स्टार्ट की थी, 800 किलोमीटर थी वो। अच्छा, मैंने 7 दिन में कलेक्ट कर दी, फिर वहाँ से सर मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से नंदगांव आया, वो 1150 किलोमीटर की यात्रा थी। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करूँ, हमारे कुछ भाइयों ने मेरे को उत्साहित किया तो मैंने उसको यस कर दिया, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले ये वो यात्रा, एक्सीडेंट होने के बाद में 11 तारीख को वो यात्रा शुरू थी, लेकिन मैं गिरने के कारण वो यात्रा नहीं कर सका, लेकिन मैंने वो अब उस यात्रा को पूर्ण किया क्योंकि मैं ये मुद्दा उठा हुआ था अरेंजमेंट का, क्यों ना मैं अपनी बरादरी के लिए यात्रा करूँ। बहुत बढ़िया बात है जी, तो ये एक अच्छी जो है ना सपोर्ट करने की एक कह सकते हैं नीति या यूनिक ऐसा एक तरीका है। नंदगांव से कन्याकुमारी रामेश्वरम धाम जो हैं ये गए, वापसी दिल्ली से रेवाड़ी भिवानी, अब अभी कब तक चलने वाली है, कहाँ कहाँ और जाएंगे? अब सर मैं इसको भिवानी मतलब समाप्त करूंगा। अच्छा, फिर कुछ टाइम के बाद में फिर मैं इसको चंडीगढ़ होते हुए वहाँ से फिर स्टार्ट करूंगा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ मान सम्मान मिलता होगा? हाँ सर, काफ़ी लोगों का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग। आज भी पाएगा में महेंद्रगढ़ में आपके कार्यक्रम है? हाँ सर, हाँ आज 8 बजे सर पाएगा में और 9 बजे यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में सर। तो अभी हम बातचीत करें, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ग्राम पंचायत नांगल सिरोही है, और नारनौल से जब महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में नांगल सिरोही आता है। सुबह सुबह हमारी मुलाकात नरेंद्र जी की, जैसे हमें पता चला तो हम यहाँ पर पहुँचे और इनसे बातचीत करी। आपको कैसा लगा ये एक हमारा छोटा सा प्रयास ही रेजिमेंट को कह सकते हैं सपोर्ट देने के लिए? आप अगर सपोर्ट देते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय यादव जय माधव अवश्य लिखें, और नरेंद्र जी का जो प्रयास है जो अति सराहनीय है वो आप किस प्रकार से पसंद करते हैं उसके बारे में अवश्य लिखें। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपको इस तरह की खबरें और लाकर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।